अब 12 टांग द्वीप सीधे सीधे जहाज के जरिए पहुंचने की तैयारी भी प्रशासन ने शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 12 टांग के निवासियों और साथ ही पर्यटकों के लिए वैकल्पिक समुद्र मार्ग को खोलने के लिए पोर्ट प्रबंधन बोर्ड ने 12 टांग में जेटी को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं पोर्ट प्रबंधन बोर्ड ने समुद्र में निष्कर्षण के काम को पहले ही पूरा कर लिया है। चैनल वन न्यूज से बातचीत करते हुए पोर्ट प्रबंधन बोर्ड के मुख्य बंदरगाह व्यवस्थापक डॉक्टर आर डी त्रिपाठी ने बताया कि 12 टांग द्वीप में छोटे जहाज सीधे जाकर भिड़ सके इसके लिए 12 टांग जेटी में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्र में स्तंभ और लाइटें लगाने का कार्य भी अभी बाकी है ताकि जहाज चालक समुद्र में रास्ते को पहचान सकें। डॉक्टर त्रिपाठी ने अंत में बताया कि जेटी के साथ बाकी के बच्चे काम आने वाले एक वर्ष में पूरे हो जाएंगे और लोगों को 12 टांग पहुंचने के लिए वैकल्पिक समुद्र मार्ग भी मिल जाएगा। 12 टांग में जो काम चल रहा है वो है अल्टरनेट सी रूट का। एक्चुअली प्रपोजल ये था कि कुछ पैसेंजर्स को जो है बहुत बाई बोट 12 टांग भेजा जाए और ये दो तीन पार्ट में है रादर। एक तो है ब्रिजिंग जो कि काम हो चुका है, दूसरा है जेटी का एक्सटेंशन जो आज चल रहा है, तीसरा है जहाँ पे ब्रिजिंग हुआ है उस एरियाज को डिमार्केट करना कि कुछ सी जगह पे ब्रिजिंग हो चुकी है सो दैट कि एक रोड पानी के अंदर जिस चैनल होता है तो एक तरह से रोड समझ लीजिए तो उस साइड से ही वो बोट जा सकती है, बाकी जगहों में वोट नहीं जानी चाहिए। तो वो उसके लिए भी एक एक पाइल डालना है, पाइल डाल के उस पर लाइट लग जाएगी, उसके बाद फिर ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं और एक साल के अंदर पूरी सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा।